सोमवार को रिश्रा में लेवल क्रॉसिंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डीआरएम मनीष जैन समेत रेलवे के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अलग अलग समय पर देखा जाता है कि लोग कान में हेडफोन लगाकर लेवल क्रॉसिंग पार करते हैं और उसमें दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए जागरूक किया जाता है। जो हमारी लेवल क्रॉसिंग होती है, जहां रेल और रोड का क्रॉसिंग होता है, वहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये क्रॉसिंग बनाई जाती है, हमारा रेल का और रोड का जो ट्रैफिक है दोनों सुगमता से चलता रहे, लेकिन इसमें अगर असावधानी होती है रोड यूजर्स की तरफ से तो एक्सीडेंट भी हो सकता है और बहुमूल्य जो लाइफ होती है उसकी भी क्षति हो सकती है। तो ये एक इंटरनेशनली इसको अवेयर सेलिब्रेट किया जाता है कि हम इस, जैसे आज के मौके पे हमारे जो रोड यूज़र्स हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, उनको हम एजुकेट करेंगे, उनको काउंसिल करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। जैसे कि जब गेट बंद है तो ऐसा नहीं कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, ऐसा नहीं कि आप गेट के नीचे से निकल के पैदल साइकिल मोटरसाइकिल लेके आप ज़बरदस्ती कोशिश करने की क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सा सावधानी से, जैसे मैंने कहा कि आदमी की जान भी जा सकती है, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ है। तो उसी के लिए हम लोगों ने आज ये पूरे डिवीज़न और पूरे रेलवे में, ईस्टर्न रेलवे में, ये पूरा हर एक लेवल क्रॉसिंग पे कोई ना कोई हमारी तरफ से इस अवेयरनेस प्रोग्राम को चला रहा है। और रिश्रा को हमने डिवीज़न की टीम की तरफ से चूज़ किया, क्योंकि रिश्रा एक बहुत बिजी, यहाँ पे स्टेशन के दोनों तरफ बहुत बिजी क्रॉसिंग है और एक दो ट्रैक के अक्रॉस उस तरह से ट्रेस पासिंग के केसेस भी हो चुके हैं, इसीलिए हमने आज एक अलग से पूछ एकेबारे मानुष के এত সচেতন করা হচ্ছে আপ আমি বাংলা জানি না হিন্দি আর ইংলিশ তো স্যার ऐसा है कि आप মার্কি বলছিলে বলান বলুন ওই যে মানছে না।